नेता अक्सर चर्चा में रहने के लिए कोई ना कोई बयान देते ही रहते हैं। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का है, तो इस मुद्दे पर भाजपा के नेताओं के कोरोना से लड़ने के उपाय और अनोखे बयान सुनिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कोरोना वायरस प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। आप भी सुनिए ये बयान। कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। तो वहीं उत्तराखंड के अब के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले के दौरान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा में स्नान करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, माँ गंगा का अपने धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये गलती होने नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय होता है ना। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कोरोना से बचने के लिए गौमूत्र पीने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोई विज्ञानी ऐसी सलाह नहीं देता कि गौमूत्र पीने से कोरोना या अन्य बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गौमूत्र गोधन अर्क या गौमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में इंसान को भगवान का भरोसा लेकर के अपने पुरखों की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर ने भी गौमूत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे रोजाना गौमूत्र पीती हैं और उन्हें कोरोना नहीं है। और गाय का, देशी गाय का पालन करें, देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे कहेगा कि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। अप्रैल के महीने में जब कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ी थी, तब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ललन टॉप को इंटरव्यू में कहा था कि मास्क ना पहने, जब कोरोना आएगा तब मैं बता दूंगा। एक व्यक्ति नहीं, अभी तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था, जरूरत नहीं, इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार निर्देश, केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है, यहाँ मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। अभी आप हमको तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है। भाजपा नेता उषा ठाकुर ने बयान दिया कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर भारत को छू नहीं पाएगी। सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्म कांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। यज्ञ करने के अलावा अगर सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर ध्यान दे तो शायद तीसरी वेव से भारत अच्छे से मुकाबला कर सकेगा। इन सब नेताओं के अलावा बाबा रामदेव ने योग प्रोग्राम के दौरान ऑक्सीजन को लेकर टिप्पणी की। जिस वक्त देश में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे हैं, आप भी सुनिए वे क्या कह रहे हैं। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा
ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये दो सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, दो डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये दो नर्सेज हैं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम एक घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा नेता कोरोना महामारी के वक्त बयान देने की जगह लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने पर ध्यान दें और जनता की परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।